हेलो दोस्त, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल में। अब आप लोग देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, कितने हम गरीब घर से आए। देखिए हम दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करते हैं। देखिए अब जा रहे हैं बर्तन वर्तन धोने के लिए। देखिए ये सब बच्चे ने जूठा इकट्ठा करके रखा है लोग, तो ये सारा अब झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी, साफ करूंगी। इतना गरीबी दिखाती हूँ फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, तो आप लोग देखिए मैं ए से जेड तक ले अपना गरीबी दिखाऊंगी। मैं क्या क्या दूसरे घर में झाड़ू पोछा करके अपना बच्चे कैसे पालती हूँ, कैसे पोसती हूँ, आप लोग देखते रहिए मेरा झाड़ू पोछा जो मैं कैसे कैसे करती हूँ। करते तो सब ही हैं, लेकिन सबके घर में सब कुछ है तो अपने घर में ही करते हैं, और मैं तो दूसरे के घर में करती हूँ। एगो अपना घर में किया हुआ काम और दूसरे घर में काम किया हुआ, बहुत फर्क पड़ जाता है। देखिए दोस्त, मैं कोने कोने से झाड़ू लगा रही हूँ, और मुझे पगार कितना मिलता है तो मुझे 3,000 पगार मिलता है। इतना काम करने के बाद भी 3,000 रुपया पगार मिलता है हमको। देखिए अगर नीचे नीचे से झाड़ू नहीं लगाऊंगी चरपाई के, तो भी मालिक बोलेगा, मालकिनी है तो बोलेगी, कहेगी ये तुमने क्या काम करती हो, साफ सफाई बढ़िया से नहीं करती हूँ, इतना रगड़ रगड़ के सफाई करती हूँ, सब कुछ सरियाती हूँ, फिर भी हमें दो चार डांट सुनना ही के मिल जाता है। शाम को जब आते हैं मालिक, चाहे उनकी मालकिनी आती है, तो हम लोग बोल भी करते हैं वो क्या करती है, क्यों दिन भर बैठी रहती है, सोती रहती है। अजब की नहीं सोचते बैठती हूँ वो, अपना काम के बिजी में लगे रहती हूँ, और फिर भी बात सुनते रहो। देखिए ये एक आलू चूहा ने खा गया है, देखिए एक आलू खा गया है चूहा। अगर मालकिन आएगी तो फिर उसके लिए ही बोलेगी ये चूहा के आलू खिला देती है। तो देखिए दोस्त, मेरा गरीबी आप लोग कहने से तो मानते नहीं हैं, आप लोग सुनते होंगे जो ऐसे ही दिखाती होगी, लेकिन मैं दिखाती नहीं हूँ। आप लोग के तो चेहरे से ही पता लगता होगा ये मैं कितना गरीब हूँ, मैं कैसी हूँ। तो आप देखते रहिए दोस्त, मैं आपको दिखा रही हूँ अपना जितना मैं आज काम करूँगी सब काम दिखाऊंगी आप लोग। आप खाली वीडियो में बने रहिए, देखिए मुझे क्या क्या काम बता के मालिक और मालकिन गई है वो ऑफिस में, वो आएंगे लो तो खुद ही। अब मैं खाना वाना बनाने को तैयार करूंगी। शाम को 4:30 बज चुके हैं, और अपना आराम आराम से धीरे धीरे बर्तन सर्तन धोऊंगी, काम धंधा सब झाड़ू पोछा लगा के, जब तक ले खाना वाना धीरे धीरे बनाऊंगी तब तक ले टाइम हो जाएगा। उन लोग की छुट्टी होता है, किसी की छुट्टी होता है 8:30 बजे, और किसी का छुट्टी होता है 9:30 बजे। तो सब पहुँचते हैं, कोई 9 बजे पहुँचते हैं, कोई 9:30 बजे पहुँचते हैं, जैसे जैसे छुट्टी होता है वैसे वैसे सब घर पे आते हैं। तो फिर उनको नाश्ता वगैरह सब खाना पीना करना है, क्या करिएगा दूसरे के घर में झाड़ू पोछा करना है, तो थोड़ा सोच समझ करना ही है। अब आप लोग देखिए मैं जा रही हूँ बर्तन धोने, वो बर्तन बच्चे खा के मालिक पैर के रखे हैं, मैं वो थोड़ा जा रही हूँ बर्तन धोने के लिए। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, मैं जा रही हूँ। थोड़ा
पानी भरने जाऊंगी, आपको तो दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, आप तो देखते रहेंगे मेरा बर्तन भूल गया है, मैं पानी भर में छोटी में तो पानी भर के जा रही थोड़ा दाल चावल धोने के लिए थोड़ा पानी भर लेती हूँ, उसी पानी से दाल चावल भी धोऊंगी और पास में सारा ले के बैठ जाऊंगी चूल्हे के पास में और चावल धोऊंगी दाल धोऊंगी यही सारे काम करूंगी। आप लोग सारे काम दिखा रहे हैं, खाना बना भी जा रहे थे, आप लोग देखते रहिए किचन का आकर काम करते हैं। देखो कुछ हम मेरा पानी भर दिया है, मैं चावल निकाल के लाऊंगी, वो भी दिखाऊंगी, मैं सब्जी लाऊंगी और भी दिखाऊंगी, मैं अच्छी अच्छा बना रही हूँ, तो आप लोग देखते रहिए। थोड़ा मेरा पानी भर गया, टोटी से पानी धीरे धीरे भरता है, टोटी थोड़ा कम पानी ले रहा है, तो इसी पानी देखिए दोस्त मेरा पानी भी भर गया है, बाल्टी में पानी भर लिया हूँ अपना, अब मैं यहाँ रखूँगी बाल्टी में पानी और फिर आप लोग जब चलिए अब दिखा रहे हैं आप लोगों के वीडियो में बने रहिए। अब मैं फ्रिज में पानी थोड़ा भरूंगी, दो बोतल खाली हो गया है, देखिए ये बोतल खाली हो गया है और ये भी बोतल थोड़ा खाली हो गया है, सब में पानी डाल देती हूँ और इसको फ्रिज में डाल दूँगी। ये मेरा मालिक आएगा तो वो अपना ठंडा ठंडा पानी पिएगा, यही बात है दोस्त। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए, हम आप लोग का फिर फ्रिज में पानी डालूंगी वो भी दिखाऊंगी, ऐसे में भी दिखा देती हूँ, बने रहिए वीडियो में। वीडियो मेरा अब देखिए ऐसा ही भर दे रहे हैं दोस्त, देखते रहिए क्या करेंगे, पानी तो भरना पड़ेगा। पानी फ्रिज में भर के रखा है लेकिन फिर भी थोड़ा भर देना चाहिए रहेगा, जो ज़्यादा रहता है तो रात को भी काम चल जाता है, तो पहले पानी भर लूँ। अभी दो तीन घंटे है मालिक को आने के लिए, जब तक के लिए पानी ठंडा हो जाएगा फ्रिज में और दिल्ली में तो सुबह को बनता है रोटी सब्जी और शाम को बनता है दाल चावल सब्जी, चाहे कुछ भी बनता है चोखा चटनी वो बनता है, तो हम अभी बनाएंगे दाल चावल और आलू के भुजिया। सुबह इसलिए रोटी और सब्जी बनता है जे थोड़ा नाश्ता भी कर लेते हैं लोग और लंच भी लेके जाते हैं लोग, तो इसके लिए बनता है और रोटी या सब्जी इतना टाइम को है जे दाल चावल बनता है सब्जी चाहे चोखा चटनी बनता है जो भी बनता है, तो शाम को खा लेते हैं लोग और सो जाते हैं लोग। अब आइए अब अपने फ्रिज में पानी रखने जा रही हूँ, तो आप लोग को मैं फ्रिज भी दिखा रही हूँ, देखिए मैं कितना बोतल रखी हूँ, मैं मालिक को कभी शिकायत होने को मौका नहीं देती हूँ, तो देखिए दोस्त मतलब तो नहीं बड़ा है, देखिए मेरा फ्रिज में कितना सारा बोतल है, ये बर्फ वाले जो खाना है ना तो ये जम चुके हैं, ये बर्फ इसमें ये बोतल में बर्फ जम गया है दोस्त, इसको मैं नीचे रख देती हूँ,
लेकिन बाद में पियेंगे हम। और फिर ये जो बोतल है अभी खड़े हैं, ये बोतल को मैंने बर्फ वाले खांदा में रख देती हूँ। तो देखिए ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा इसमें। अब देखिए इतना सारा बोतल में पानी भर के रखी हूँ, कुछ में ठंडा है और कुछ में पानी है। और ये देखिए दिन के थोड़ा भर भुजिया है कुहेड़ा के, आप लोग की तरह पता नहीं क्या बोले जाते हैं, और मेरे बिहार में कुहेड़ा बोला जाता है। ये देखिए थोड़ा कुहेड़ा के भुजिया है और थोड़ा मिर्ची है, तो ये भी शाम को थोड़ा भर काम दे देगा। तो अब देखिए अब मैं जा रही हूँ थोड़ा चावल निकालने खाना बनाने के लिए। तो आप लोग देखते रहिए। देखिए इस टेबल में चावल है, देखिए दोस्त इसमें चावल है। और देखिए ये गिलास डाल रखे हैं, इससे मैं नाप के 3 गिलास चावल लूँगी। 1 गिलास मैं निकाल लिया और 2 गिलास ये हो गया, और फिर ये 3 गिलास हो गया, यानी 250 ग्राम की ये गिलास है। तो हम जो 6 आदमी हैं इसे 3 गिलास नाप लेते हैं, तो बस हो जाता है 3 गिलास में, सारे आदमी खा लेते हैं हम। तो आप लोग देखते रहिए। अभी ये मैं चावल निकाल लिया, तो अब मैं यहाँ रख देती हूँ। आप लोग बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए मेरा गरीबी खाना कैसे बनता है। और ये देखिए ये है, तो ये आलू उलू है थोड़ा भर, आलू है प्याज है, तो आई सब्जी भी मेरा ख़त्म हो गया है। आएंगे लो मालिक लो तो ले आएंगे लो सब्जी, जब तक इतना सब्जी के मैं दाल चावल बना देती हूँ और भुजिया बना देती हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए हम कैसे कैसे हम बनाते हैं। और इतना गरीबी चैनल को जब सपोर्ट नहीं करिएगा लो तो अब कैसा सब सपोर्ट करिएगा लो। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में, हम दिखा रहे हैं, देखते रहिए मैं क्या क्या बनाने जा रही हूँ। अभी सलाई भूल गई, अब सलाई उलाई लेके एक बार बैठ जाएं, जो बार बार हमको नहीं आना जाना पड़ेगा घर में, नहीं तो बार बार आने जाने से ना थक जाती हूँ। और एक बार लेके बैठ जाऊँगी तो सही रहेगा। और ये देखिए डब्बा में अचार डाली, अगर अचार भी आपको दिल होगा खाने को तो आ जाइएगा दिल्ली में और अचार भी खा लीजिएगा दोस्त। तो अब देखिए मैं सारा सामान में ले कर बैठ गई हूँ एक जगह पर, और मैं अपना बनाते रहूँगी और आप लोग से बातें करते रहूँगी। ये थोड़ा साइड कर दूँ, ये बर्तन भी थोड़ा साइड कर दूँ, तब आराम से बैठूँ और तब आप लोग से बातें चीते करते रहूँ बनाते रहूँ। तो अब देखिए दोस्त अभी हमने चूल्हा अपने पास में भेज लिया, और ये देखिए अभी दाल है, मसूर की दाल है। तो पहले मैंने कुकर में दाल दाल बैठा के फिर दाल खाली कर दूँगी, और इसी में फिर मैं चावल बनाऊँगी। तो मैं खाने भर के दाल बना लूँगी, ज़्यादा नहीं जितना मतलब खा लें हम लोग, उतना बना के सब आराम से हो जाऊँगी। तो ये दाल तो देखिए दोस्त मैंने निकाल लिया हूँ, ये कुकर निकाल लिया हूँ, देखिए पता नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा मोबाइल इधर रख देती हूँ, कहीं आप लोगों ने साफ दिखाई देता होगा तो यहाँ साफ ज़रूर दिखाई देगा। तो देखिए अब मैं थोड़ा भर दाल को धो लूँगी, धो लूँगी साफ हो जाएगा। ये जो मैं पानी भर के लाई थी ना, तो आप लोग को दिखाई देगी, ये मैं दाल थोड़ा धो लूँ। देखिए दोस्ती मेरा दाल धुल रहा है कुकर में, 2-3 सीटी मेरा दाल
कूटेगा बस हो जाएगा मेरा दाल, दो तीन सीटिंग हो जाएगा। मसूर का दाल है उसमें अरहर का दाल रहता है तो थोड़ा टाइम दो तीन सीटी ज़्यादा लगता है, तो ये तीन सीटी में हो जाएगा। ये मेरा दाल भून चुका है दोस्त। अब देखिए मैं पानी मीठा डाल रही हूँ, मीठा पानी, दिल्ली में थोड़ा सारा पानी भी होता है थोड़ा मीठा पानी भी होता है, खारे पानी से धुल लेती हूँ, मीठा पानी का खाना बनाती हूँ। देखिए बगल में ही मीठा पानी रखी हूँ, बगल में ही खारा पानी रखी हूँ, उसी से मेरा काम होता है। और ये देखिए हल्दी है, मैं दाल बैठाती हूँ जब भी हल्दी भी छोड़ देती हूँ और नमक भी छोड़ देती हूँ, मैं डलता रहता हूँ। और अब रह गया ये मेरा नमक है, देखिए मैं नमक भी डाल रही हूँ। मैं जितना पसंद है मैं डाल लेती हूँ। देखिए दोस्त मैं बहुत गरीब घर से हूँ, दूसरे के घर में जब खाना बनाना है तो सोच समझ के बनाना है, तो बारिश वरिश भी आता है तो और टेंशन हो जाता है खाना के मारे। तो देखिए ये मैं गैस बना दिया हूँ, इसमें दाल रख दूँगी। और एक जो चूल्हा ओवर है उधर आऊँगी, इस पर कढ़ाई रखूँगी, जब तक मेरी कढ़ाई गर्म होगा मेरा भुजिया कट जाएगा, तो मैं भुजिया की चमक दूँगी। देखिए तो अरे आप लोग सब क्या दिखाएं, अब कितना अब गरीबी दिखाएं, अमीरी दिखाएं, आप तो सब देख ही रहे हैं। अब यही है जो हम लोग को डांस करना नहीं आता है, नाचना नहीं आता है, इसीलिए आप सपोर्ट नहीं करते हैं हमको, कहीं आने जाने के लिए पैसे नहीं रहता है जो हम कहीं आए जा के वीडियो बनाएं। तो हम तो अपने घर में ही बनाते हैं, मालिक के घर में बनाते हैं, तो भी मालिक नहीं है तो बना लिए, मालिक होता तो नहीं बनाने देता। तो ये मेरा इतना भर आलू है, इतने भर आलू है, तो शाम को सब्जी आएगा, तो ज़्यादा आलू नहीं है, आलू है पीटने के। मैं भुजिया बना दे रही हूँ, आप लोग देखिए। और आप लोग के भी खाने को दाल चावल भुजिया खाने को दिल है तो आप भी आ जाइएगा, उसमें क्या करना है। एक बात है, पहले तो मैं दूसरे घर में काम करती हूँ, लेकिन आइएगा तो कोई बात नहीं, मालिक मेरा बोलेगा नहीं, मालिक सही है बेचारा, अच्छा है, कहता है जितने मिलजुल के रहो, मिलजुल के खाना पानी खाओ, सही रहता है, कोई दिक्कत नहीं। कभी हमारा भी होगा, हमारे में भी आ जाइएगा, अभी दूसरे में बना रही हूँ खा रही हूँ तो दूसरे में भी आ जाइएगा। अब मैं जहाँ बनाऊँगी खिलाऊँगी खाऊँगी वहीं ना खिलाऊँगी सबको। तो यही बात है दोस्त, क्या करिएगा, भगवान पैदा करे तो इतना गरीब घर में पैदा ना करे कि दूसरे घर में झाड़ू पोछा करते 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 आदमी तंग हो जाता है। जब भगवान पैदा करे तो मायके में भी अच्छा से पैदा कर दे, ससुराल भी दे तो सही दे दे, ये सब चीज़ सही सही रहे, थोड़ा बहुत आराम मिलेगा कहीं भी, न मायके मिलेगा ससुराल मिलेगा, ससुराल नहीं मिलेगा तो मायके मिलेगा। लेकिन मेरा मायके भी वैसा ही है, मेरे ससुराल भी वैसा ही है, नहीं तो मेरा मायके भी अमीर है तो ना ही मेरा ससुराल भी अमीर है। तो मैं क्या अपने घर के बातें कितना बताऊं, अपने घर के बातें अब जितना बताऊं उतना कम में रहेगा, जितना गरीबी के बात बताऊं उतना
कम में रहेगा, क्योंकि मैं दुनिया ऊपर से ही, दुनिया ऊपर से ही हम गरीब हैं, हम दुनिया ऊपर हम ही ज़्यादा गरीब समझे, ना ही तो हमको रहने को घर है, ना खेती है, ना बारी है, ना कुछ भी ना है, तो कुछ नहीं है। आप लोग हम कितना बात शेयर करूँगे क्या क्या नहीं है, कि तो कोई कहने से कोई पूरा नहीं करेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा भर दिल हुआ तो आप लोग से बता दे रहे हैं। चलो बता देते हैं, जब मान लो जी कि वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो में तो कुछ ना कुछ तो शेयर करना ही पड़ेगा, तो इसीलिए थोड़ा बता दे रहे हैं। क्या करिएगा, ये हम दिल्ली में आए हैं, दिल्ली में किसी के घर में, मतलब जैसे जो बड़े बड़े आदमी होते हैं ना, तो उनके घर में नौकरों की ज़रूरत लगता है, तो वही हमने बोले हम कंपनी में जाने के लिए। कंपनी में भी मैं काम कर रखी हूँ, तो मेरा रूम के बगल में है, देखिए मेरा रूम हो रहा, देखिए मैं उसमें किराए पर रहती हूँ, देखिए मैं दिखा रहे हैं आपको मेरे रूम, वो जो बड़ा सा रूम दिखाई दे रहा है ना, मेरा रूम वही है, मैं उसी में रहती हूँ बड़ा सा रूम में, और मैं ये दूसरे के रूम में खाना बनाने आई हूँ वहाँ से, तो मेरा रूम अलग है और मैं यहाँ खाना बनाने आई हूँ मालिक को, ऐसे बना उना के 10:30 बजे फिर बर्तन सर्तन धो माज के यहाँ से मैं चली जाऊँगी, फिर अपने रूम पर जाके सोऊंगी। मेरे को छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उसी रूम पर हैं लोग, हम बोले जो हम जा रहे हैं खाना वाना बनाने को, टाइम हो गया, बोला लो जी जाओ हम चले आए। ये बात है दोस्त, इतना गरीब भी नहीं होना चाहिए। हम कंपनी में काम कर रखे हैं, कंपनी में जो काम करे हैं ना, उसका भी मैं वीडियो बना कर डाली हूँ, तो अब किसी से कितना हो सच्चाई बताती हूँ, सच्चाई दिखाती हूँ, तो कोई मानने के लिए तैयार ही ना हो रहा है, नहीं मानने के लिए तैयार हो रहा है, अब क्या किया जाएगा। उन्हीं लोग का सपोर्ट जो करते हैं लोग, जो इधर उधर घूम के बनाती है लोग वीडियो, चाहे छोटे छोटे कपड़े पहन के बनाती है लोग, तो उन लोग करते हैं लोग। अब हम लोग के पास तो कपड़ा ना है, कपड़ा खाने को है ही ना है, तो कपड़ा कहाँ से आएगा। अब मैं इसी में से बनाऊँगी, अपने मालिक भी खा लेंगे, मालकिन भी खा लेगी, और इसी में से बचेगा तो हम भी खा लेंगे, और थोड़ा बहुत बच जाएगा तो बच्चे के लिए भी लेके चले जाऊँगी, तो इसमें से बच्चे भी खा लेगा। तो यही करती हूँ, सुबह भी आ जाती हूँ, तो चाय पानी बनाती हूँ, ब्रेड व्रेड आता है, तो बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो आ जाते हैं, नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, और फिर मालिक के लिए बनाती हूँ पराठे वराठे, थोड़े बच्चे के लिए भी एक आध दो बना देती हूँ, इसी में से बच्चे भी लेके चले जाते हैं, मतलब हम यहाँ खाना खा लेती हूँ, बच्चा भी खा लेता है, रूम के किराया है तो भी बस किराया किराया हमको देना है, तो 3,000 रुपया है, तो मतलब 1500 रुपये किराया देना है, तो 1500 किराया दे देती हूँ, और 1500 रुपये बच जाता है, तो उसी में मेरे बाल बच्चे के लिए हो जाता है, और सब खाना पीना सब कुछ मालिक के पास होता है, मतलब जहाँ हम काम करते हैं ना वहाँ पर होता है, काम करती हूँ या खाना खाती हूँ। समझे, ये मेरे बच्चे भुजिए कट लिया है, और मेरे को जोर जोर से बोलने में भी डर लग रहा है, कहीं मालिक आगे ना जाए, चाहे मालकिन नहीं आ जाए, तो कहेंगे मेरी किससे बतिया रही है, मतलब वो लोग जानते हैं कि वीडियो बनाती है, वीडियो डालती है, लेकिन फिर भी काम काम होता है, नौकरी नौकरी होता है,
अब हम लोग के सामने बोलूँगी तो लोग कुछ ना कुछ दिल में जरूर सोचेंगे लोग जे एक काम पर ध्यान नहीं देती है, खाली वीडियो पर ध्यान देती है। तो मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ चोरा चोरा के वीडियो बनाती हूँ, जब वो लोग चले जाते हैं तब मैं वीडियो बनाती हूँ, नहीं तो ऐसे जब हमारे मालिक रहते हैं लोग तो हम नहीं बनाते। यही बात है दोस्त, थोड़ा बहुत सपोर्ट करिए, हमारा भी सपोर्ट करिए। देखिए मेरा सब्जी काट लिया है और कढ़ाई में तेल डालूंगी, सब तो मैं ले के बैठ गई हूँ। तेल और नमक उमक सब तो ले के बैठ गई हूँ। तो कुछ खोजना नहीं है, सब पासे में है। तो ये भुजिया छिड़कने के लिए तेल डालूंगी, कढ़ाई तो कब से रखी हूँ, कढ़ाई गर्म हो गया है। तो भुजिया बनाऊंगी दोस्त, देखते रहिए मैं क्या क्या बना रही हूँ। मिर्ची बता, मिर्ची की भी बना रही हूँ, फोरन दे देंगे। कड़े अभी भूज रहे हैं, डाल दूँगी। बारिश भी आ रहा है, आज तीन दिन से रोज बारिश हो रहा है, रोज बारिश हो रहा है दिल्ली में। परेशान हो गए हम, इसलिए थोड़ा जल्दी बना लेती हूँ। जल्दी क्या है, 7 तो बज ही गया है। किसी न किसी के छुट्टी हो ही करेगा, शाम को 7 बज चुके हैं तो सब लोग आएंगे, आते ही खाना पानी में घूरेंगे अपना। अगर खाना पानी खाएंगे तो फिर हम अपना घूरेंगे घूम आज के, फिर 10 बजे से हम अपने रूम पर चले जाएंगे। देखिए तो यही होता है, दूसरे के घर में काम करो तो कंपनी में काम करो तो 7:30 बजे छुट्टी होते हैं, 8:30 बजे छुट्टी होते हैं, 10 बजे तक काम कर देना पड़ता है। 10:10 सही 12 भी बज जाता है, मेरा वीडियो अच्छा बात है। ज़्यादा चल गया है इसीलिए ठीक आ गया। भुजिया खाना भुजिया है बन रहा है, जब तक देखिए दोस्ती में अच्छी जो मैं भूजी हूँ उसको मैं इसलिए आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए, इतने गरीब चैनल को सपोर्ट नहीं करिएगा तो क्या करें। थोड़ा मन नहीं लगता है इसीलिए वीडियो भी बना लेते हैं, क्या करें। खाना उना बना उना के सारा काम करके तब मैं वीडियो बनाती हूँ, ऐसे मैं नहीं बनाती। थोड़ा टाइम भी पास हो जाता है, वीडियो बनाऊँ तो थोड़ा टाइम भी पास हो जाता है, नहीं तो ऐसे में तो खाना बनाना खाना तो 1 घंटा के काम होता है, उतना में क्या टाइम पास होता है। खाना बनाओ खाओ झाड़ू पोछा करो, सब करते करते टाइम बहुत हो जाता है। तो आप लोग थोड़ा मदद करिए, हमको ज़्यादा बोलना भी नहीं आता है, हम क्या क्या वीडियो में बोलें क्या क्या नहीं बोलें, ऐसे छुप छुपा के तो बनाना पड़ता है वीडियो।
अपना घर होता है तो टेंशन नहीं रहता है, दूसरे के घर में बनाओ दूसरे लोग काम करो तो इस वजह से टेंशन रहता है कि कहीं कुछ कोई बोल ना दे चाहे कुछ कह ना दे, यही बात है। तो देखिए आप लोग से यही रिक्वेस्ट है जी, आप लोग थोड़ा मदद करिए जो हमको दूसरे के घर में खाना बनाने को नौबत ना आए, कि दूसरे घर में झाड़ू पोछा कर रहे हैं, दूसरे घर में खाना बना रहे हैं, दूसरे के कपड़ा लत्ता धो रहे हैं। अगर ऐसा आप लोग सपोर्ट कर दीजिएगा तो दूसरे घर में हमको नहीं ना करना पड़ेगा। फिर ऐसा हम वीडियो बनाते हैं तो वीडियो बनाते हैं सुनते हैं जो वीडियो बनाने से पैसा आता है, वीडियो बनाओ तो सब दर्शक हैं तो सपोर्ट वपोर्ट करते हैं, तो उससे कुछ राहत होता है, मिलता है पैसे वैसे मिलता है। लेकिन जब मेरे वीडियो पर सपोर्ट नहीं हो रहा तो मैं कैसे कहूँ जी दुनिया का पैसा मिलता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है जी पैसे वैसे आता होगा वीडियो बनाने से। मैं भी ऐसे ही बना देती हूँ और बना करके थोड़ा जो हंसी मजाक वाला होता है वीडियो मेरा तो बना देती हूँ, चाहे नाच कूद वाला होता है वो भी बना देती हूँ, और फिर अपने वीडियो में अपना ही देखती हूँ अपना ही हंसती हूँ। मेरे को लगता है कि मैं अपना ही वीडियो देखूँ अपना ही हंसूँ, बस मुझे यही लगता है, मुझे नहीं लगता है कि वीडियो से पैसा वैसा आता है चाहे कुछ भी होता है, मुझे नहीं लगता। तो अगर आता भी होगा तो कहीं आप लोग सपोर्ट करिएगा तो हो सकता है जो कहीं आ सकता है, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए, थोड़ा मदद करिए, और उसके बाद देखा जाएगा फिर जो जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। और मेरा भी सपोर्ट कर दीजिएगा लोग, तो क्या पता कहीं कभी ऐसे में ज़रूरत आ जाएगा तो हम भी तो अपने चैनल पर आप लोग का नाम ले लेंगे। कभी सपोर्ट करिए, अगर लाइक सब्सक्राइब करिए तो एक बार कमेंट में अपना नाम भी लिख दीजिएगा, और कहाँ से मेरा वीडियो देखते हैं वो भी बता दीजिएगा, थोड़ा हमारा दिल में संतोष हो जाएगा जी हाँ इतना दूर से मेरा वीडियो कोई देख रहा है। एक कमेंट आता है तो उसको 10 करना पड़ती है, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ मुझे कोई कमेंट किया है। क्या करिएगा दोस्त, इतना मजबूर है मुझे पूछिए, मजबूरी की कोई हद होता है, लेकिन मेरे पास बहुत मजबूरी है, बहुत मजबूरी। मेरे हर वीडियो में आप लोग देखे भी होंगे कि कोई अच्छे कपड़े भी मेरे पास नहीं है, जैसे जो मतलब अच्छे कपड़े पहन के हम वीडियो बनाए, कहीं पुरान पुरान पहन लिए, चाहे कभी मालिक कहते हैं फंक्शन में जाने के लिए तो फंक्शन में गए तो वही मालकिन जो साड़ी वगैरह छोड़े वोड़े होती है तो वही पहन लेती हूँ फिर जाती हूँ, तो छोड़े हुए कपड़ा पहन के जाती हूँ। और देखिए नाइटी भी है तो मालकिन ने दे रखी है तो उनके नाइटी पहन रखी हूँ, दे रखी है तो मैं पहनी हूँ, तो अपने समय नहीं पहनती, अपने समय मेरे पास जो होता है मैं वही कपड़ा पहनती हूँ, और मेरे को जो मिल जाता है मैं वही खा लेती हूँ। कभी कभार तो ऐसे हो जाता है कि खाना बनाती हूँ तो थोड़ा घट भी जाता है तो फिर दोबारा बनाने को दिल नहीं करता है तो मैं खाना भी नहीं खाती हूँ, मैं सो जाती हूँ, बच्चे खिला देती हूँ सो जाती हूँ। अब बार बार खाना बनाओ, बार बार चूल्हे चौका करो तो अपने लिए मतलब अपने लिए घट जाता है कभी कभार के, तो मैं अपना कर लेती हूँ ऐसा ही मेंटर, और बच्चे को तो जो बचता है वो मैं खाना खिला देती हूँ, कभी कभार कैसे हो जाता है नहीं तो रोज में खाना आराम से खा ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। क्या करिएगा, देख लीजिएगा।
गया थोड़ा, मेरा भी गरीबी से अगर मदद आएगा अब मेरे पास थोड़ा पर रहम आएगा, माया आएगा तो मदद कर दीजिएगा हमारा भी। ये सुबह से उनका दूसरे घर के करने से तो हमारा बातचीत तो हो जाएगा ना, इतना रहेगा जरूर। सुबह शाम लेट हो जाता है थोड़ा, कभी कभार फिर लेट भी हो जाता है, लेकिन फिर बने नहीं खुला और लेट हो जाता है, जैसे 2-4-10 मिनट ज़्यादा नहीं, ऐसा ही मैं समझ लूँ 10-20 मिनट लेट हो जाता है आने में। तो उसके लिए थोड़ा सा नहीं, जहाँ मैं काम करती हूँ ना वो दोनों मियाँ बीवी बहुत बोलने लगते हैं, काटने लगते हैं, तो क्या करें, सुन के बच्चे के लिए फिर अपने काम करने लगती हूँ। कह देती हूँ घर नींद आ गया है, पेट थक गई है, यही बोल के मैं अपना फिर काम में लग जाती हूँ। मैं सोचती हूँ छोड़ो, बोलते हैं लोग, बोलने दीजिए इधर से, वो इधर कान से सुन के इधर कान से निकाल देती हूँ, और फिर मान लीजिए कि अब हम भी जवाब लगाएंगे उन लोग से, तो फिर हमको काम में नहीं रखेगा लोग, फिर काम में नहीं रखेगा लोग तो फिर हमें काम भी ढूंढना पड़ेगा, कहाँ जाएंगे काम ढूंढने। तो यही बात है दोस्त, दूसरा कुछ नहीं है, नहीं तो 3,000 रुपया में क्या हो रहा है, 3,000 रुपये में कुछ नहीं होता है, लेकिन बात यही रह गई, सब कुछ यही खाओ पियो सब, मतलब कपड़े लाते जितना है, दोनों बच्चे के भी कपड़े लाते मालिक ही देते हैं लोग, और फिर खाना पीना जो भी खाओ मतलब सब इन्हीं के रूम पर होता है, खाली हमको 1500 किराया देना पड़ता है, तो वही किराया मैं दे देती हूँ, और अपना 1500 रुपये बचा लेती हूँ। ये होगा कंपनी में जाऊँगी तो वहाँ फिर खाना बनाना पड़ेगा, फिर हमको आटा चावल तेल दाल सब्जी लेना पड़ेगा, तो फिर उतना हम कहाँ से लाएंगे, और इसीलिए सोचते हैं चलो दूसरे ही के घर में झाड़ू पोछा कर लेंगे, तो उतना ही से हमारा कोई मतलब दिक्कत नहीं होता है, 1500 में मेरा 3,000 में मेरा काम हो जाता है, 1500 रुपये किराया दे देती हूँ और 1500 से आराम से बचा देती हूँ। तो वही दिक्कत है, तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करिए, ये 3,000 से 3 रुपये ज़्यादा ही कुछ मिले हमको, अब आप लोग समझा था क्या बोले, तो हमको उतना कुछ आता नहीं, हम बोले बोले चाहे वीडियो में कुछ कहे हैं, गरीबी कितना है, कंपनी में से भी काम करी हूँ तो वो भी मैं दिखाई हूँ, तो ये जो मेरे दर्शक हैं वो देखते नहीं हैं, मेरे दर्शक हैं जब मैं अपना वीडियो डाल देती हूँ तो देखने के नाम ही नहीं लेते हैं, और फिर जब मेरे दर्शक वीडियो देखते हैं थोड़ा सपोर्ट करते हैं तो इतना तो हमको मेहनत नहीं ना करना पड़ता है। सुबह 7 बजे मैं आती हूँ, सुबह 7 बजे आती हूँ, 7 बजे से करते करते नहीं 11-12 बजे तक मैं काम यहाँ करती हूँ, दूसरे के रूम में झाड़ू है पोछा है बर्तन है कपड़ा है लाता है, मतलब पूरा ए से जेड तक मैं काम करती हूँ, समझे, तो सुबह 7 बजे से करने का काम लगाती हूँ, तो जाके दिन के 11 या 12 बजे तक तो काम मेरा ख़त्म होता है, समझे, वही बात है, देखिए हमको भी सपोर्ट कर दीजिए थोड़ा, लेकिन ये मालिक है जो पूरे दीवार दीवार में सब में पोछा मरवाता है, रूम में पोछा रूम में तो मरवाता है कोई दिक्कत नहीं, पूरे देवलिया में मरवाता है अपने काम, बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो छोटे छोटे बच्चे हैं तो कंपनी में जा नहीं पाती हूँ, अगर कहीं कंपनी में चल जाऊँगी तो फिर मेरा बच्चे कहीं चला जाएगा, यही सोच के ही मजबूर होकर मैं अपना यहीं पड़ी रहती हूँ, रूम भी पास में है, जहाँ काम करती हूँ वो भी रूम पास में है, तो
थोड़ा सा रखना करते रहते हैं। और ये देखिए नीमक में डाल रही हूँ भुजिया में अपना, यही बात है कि काफ़ी कुछ है, लड़का बहुत मजबूर हो गया है, क्या क्या है मजबूरी बताऊँ आपको। सहारा करने वाले तो कोई नहीं है, अकेले अपने जैसे तैसे सहारा करते ही रहते हैं, मजबूरी रहता है अपना, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग के माया आएगा इधर, मेरा फूल वीडियो देखिएगा, तो जरूर मदद करिएगा, अपने दोस्तों से बता दीजिएगा। पार्वती शर्मा चैनल को सपोर्ट कर दीजिए, कितने बड़े बड़े यूट्यूबरों के पास मैं कमेंट करती हूँ जो थोड़ा मदद कर दीजिए, चाहे अपने चैनल पर मेरा नाम भी ले लीजिए, तो थोड़ा प्रमोट करा दीजिए मेरा भी चैनल। कोई यूट्यूबर नहीं सुनता है, बड़े बड़े यूट्यूबर है कोई नहीं सुनते, फिर जो यूट्यूबर बने हैं बड़े बड़े यूट्यूबर इतना टाइम पर नहीं सुनते हैं वो, उन लोग कौन बनाया, हम ही आप लोग ने बनाए, लेकिन नहीं उन लोग नहीं सुनते हैं। मैं कितने बार कितने बड़े बड़े यूट्यूबरों के पास में कमेंट किया जे दीदी थोड़ा मेरा सपोर्ट करिए, भैया मेरा सपोर्ट करिए, लेकिन कोई सुनने को नाम ही नहीं गए, कोई एक को बार मेरा नाम लिया ही नहीं अपने चैनल पर। मैंने बहुत रिक्वेस्ट भी किया, बहुत मैंने बोर्ड पर भी गिरा, लेकिन उन लोग ने नहीं सुना। तो देखिए दोस्त, जो बना रहता है उसको सब कोई पूछता है, जो बिगड़ जाता है ना उसको कोई नहीं पूछता, बने कभी बिगड़ भी जाती है कभी बन भी जाती है, यही बात है दोस्त। आप लोग देखिएगा, अगर आप लोग के पास में भी ऐसा कोई होगा, मतलब बड़े चैनल वाला ऐसा कोई आदमी होगा, तो थोड़ा सपोर्ट करवा दीजिएगा मेरा भी चैनल को। मेरा चैनल का नाम है पार्वती शर्मा। तो अगर ऐसा कोई आप लोग के पास में आदमी होगा जे जैसे मदद करने वाला, चाहे ऐसे माया दर्द आएगा कहीं, तो इतने आदमी इतने दुनिया में आदमी हैं, किसी के तो रहम आना चाहिए, किसी को तो थोड़ा मोहब्बत होना चाहिए, जो हाँ इतना दुख रो रही है, इतना दुख भी बता रही है। तो अगर ऐसे में आप लोग के पास में भी कोई ऐसा आदमी होगा, तो आप लोग ज़रूर मेरा चैनल के एक बार नाम उस चैनल पर थोड़ा धरवा दीजिएगा, मेरा भी सपोर्ट हो जाएगा कुछ। तो यही आप लोग को थोड़ा रिक्वेस्ट है, दूसरा कुछ नहीं है, थोड़ा मेरा मदद करवा दीजिएगा लो आप लोग भी, मेरा भी मदद हो जाएगा। यहाँ से खाना पानी बनाने से तो मेरा जान तो छूट जाएगा ना, मैं अपना खाना पानी बनाऊँगी, अपना खाऊँगी, अपने बच्चे को तो पालूँगी ना, यही बात है दोस्त। थोड़ा घर देखिएगा आप लोग के पास ऐसा कोई आदमी होगा तो, ऐसे तो मेरे जानकारी में तो कोई आदमी नहीं है, अगर आदमी है भी तो मैं कमेंट में बोलती हूँ जो मेरे को सपोर्ट कर दीजिए, कर दीजिएगा, तो कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। आप लोग एक बार मदद करिए मेरा, बहुत संसार में बहुत दुनिया में आदमी है, दुनिया बहुत लंबा चौड़ा है, और दुनिया को दुनिया से बहुत अच्छे अच्छे आदमी संपर्क भी होगा आप लोग के, तो एक बार मेरा फुल वीडियो देख लीजिएगा, और देख के और आप लोग के पास जैसा आदमी होगा तो मेरे चैनल का सपोर्ट जरूर करवाइएगा।
सही रहेगा, सपोर्ट करवा दीजिएगा तो आप लोग के भी मेहरबानी होगा। देख लीजिएगा दोस्तों, हम तो यही कहेंगे, कुछ ना कहेंगे देखिए। सुबह से मैं परेशान हूँ, मैं बहुत दिन से परेशान हूँ, सुबह से कैसे काम करती हूँ तो मैं परेशान हूँ, मैं तो परेशान बहुत दिन से हूँ। अब जेकरे ऊपर कोई सहारा ना रहेगा तो परेशान रहेगा ही रहेगा, समझे ऐसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये मतलब ऊपर ये मेरे पास कपड़ा लाता बढ़िया हो तो मैं कहीं घूम के जाके वीडियो बनाऊँ, नहीं मेरे पास ऐसा कुछ नहीं। मेरे को जो भी मिल जाता है मैं खाना खा लेती हूँ, जो भी जो कपड़ा लाता मुझे दे देता है मैं वही पहन लेती हूँ। आप लोग कपड़े से तो पता लगता ही होगा, देखिए ये कितने दिन से पहने हुए हैं, मालकिन ने कपड़ा दी नाइट दे रखी थी मैं उसे पहन रखी। तो अब तो आप लोग इतना इतना तो देख कर तो आपको पता हो ही गया होगा, तो यही बात है जो आप लोग देखिएगा वैसे आदमी होगा आप लोग के पास, होगा ज़रूर होगा, मदद कर दीजिएगा मेरा भी सही रहेगा। नहीं मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत मैं काम करते करते मैं थक गई, काम करते करते मैं थक जाती हूँ। काम इतना काम होता है तब ना आदमी नहीं थकता है, काम भी बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। झाड़ू पोछा करना है तो घर में काम कम है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, यही बात है जो पता करें। अब हम कौन से कहें, आप लोग सब पूरा गरीबी तो बता ही देंगे, पूरा गरीबी तो बता दे रखिए आप लोग को, आप कितना गरीबी बताएं, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए और मदद भी करिए। जितना काम किया मैंने सारा काम भी आप लोग से दिखा दिया और अभी कर ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। ठीक है दोस्त, अब मैं वीडियो रख रही हूँ, नमस्ते। अगर कुछ गलती भी बोली होगी तो माफ़ी चाहती हूँ, माफ़ कर देना। अगर आप लोग को माया आए, हमारे ऊपर दर्द आए तो आप लोग सपोर्ट जरूर करिएगा। अगर आप लोग के पास ऐसा आदमी होगा तो उनसे बुलवा के एक बार सपोर्ट करवाइएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जब मैं यहाँ से देख रही हूँ आपको वीडियो, मुझे भी सुन के मेरा दिल के थोड़ा तसल्ली होगा। बस नमस्ते दोस्तों।